नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज आपको दांतों से संबंधित एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो वास्तव में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट के मन में बहुत सारे उसको लेकर के डाउट्स होते हैं। जैसे कि उनके दांतों में कैल्शियम की कमी हो गई है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, अब उनके दांत टूटने वाले हैं, उनके दांतों में क्रैक्स बन जाते हैं। तो वास्तव में ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जबकि पेशेंट के मन में एक और डाउट होता है कि उसके दांतों में क्रैक्स तो हो गए हैं, लाइन तो बन गई है, लेकिन उसको ना तो दांतों में दर्द है, ना तो सेंसिटिविटी हो रही है, ना तो मसूड़ों में सूजन है, ना तो पस आ रहा है, ना तो खून आ रहा है, और ना ही मुँह से बदबू आ रही है, और ना ही उसके दांतों में सड़न है। तो जब सारी चीज़ें ओके हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये दांतों में ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसे के दांत उसके टूटने लगे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, मुझे कमेंट करें, मैं सारे सवालों को पर्सनली पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन में एक नंबर फ्लैश हो रहा है, डॉक्टर श्वेता पांडे से आपकी उसमें बात हो जाएगी। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि दांतों में जो ये लाइन्स बनती हैं ये क्या है, क्या ये वास्तव में दांतों का चटकना है, दांतों का टूटना है, इससे आगे चल करके कोई प्रॉब्लम होने वाली है, या हमारे शरीर में किसी बीमारी का कोई ये लक्षण है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पेशेंट के मन का डाउट। चलिए एक एक करके इसको वीडियो में आगे समझते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो जो भी डाउट आपके मन में होगा वो सब क्लियर होता जाएगा। जैसे कि सबसे पहले ये जो क्रैक्स बनते हैं, जो लाइंस बनती हैं, ये है क्या, तो मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, ये क्रैक्स नहीं है, ये एक सिंपल फाइन लाइन होती है जिसे हम क्रेज लाइन कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे दांतों के ऊपरी सरफेस को इनेमल कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और इसी लेयर में ये लाइन्स बनती हैं, इसको हम क्रेज लाइन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये होती क्यों है, मतलब किस कारण से ये बनती है, तो इसके कुछ बेसिक कारण होते हैं। जैसे यदि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बाइटिंग फोर्स लगाता है, मतलब दांतों से बहुत ताकत के साथ किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है और लंबे समय तक ये प्रोसेस रहती है, उसकी आदत में आ जाता है, तो क्रैज लाइन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके मॉल ऑक्लूजन वाले टूथ हैं, मतलब जो दांतों में दांत बराबर बैठते हैं वो बराबर नहीं बैठे हैं, आड़े तिरछे दांत कह सकते हैं, तो उसमें जो बाइटिंग फोर्स लगता है वो अलग अलग लगता है, कहीं कम लगता है, कहीं ज़्यादा लगता है, इस कारण से भी ये क्रैज लाइन बन सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट है या पर्सन है जिसकी ब्रक्सिज्म की आदत होती है, मतलब दांतों से दांतों की चबाने की आदत है, पीसने की आदत है, उसको पता नहीं चलता लेकिन वो लगातार ऐसा करता रहता है, तो उसके कारण भी ये क्रैज लाइन बनने की संभावना हो जाती है। और एक इसका और चौथा कारण होता है क्रैज लाइन बनने का, और वो है ट्रॉमा। यदि आपको दांतों में चोट लग जाती है तो उसके कारण भी ये क्रैज लाइन बन सकती है। मोस्टली ये जो क्रैज लाइन होती है वो एंटीरियर टूथ में होती है, मतलब आगे के दांतों में होती है, एक दांत में हो सकती है या एक से ज़्यादा दांत में हो सकती है, या तो ऊपर के दांत में हो सकती है, या तो नीचे के दांत में हो सकती है, या फिर ऊपर और नीचे दोनों दांतों में हो सकती है। यदि हम एज की बात करें तो जनरली ये मिडिल एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली ज़्यादा होती है, हालांकि उसके बाद भी और उसके पहले भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली मिडिल एज के पेशेंट में ही पर्सन में ही ये क्रैज लाइन ज़्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है, मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने दांतों को देखेंगे तो उसमें एक वर्टिकल लाइन, खड़ी खड़ी लाइन दिखती है, ध्यान रखिए, और हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, यानी ये आड़ी तिरछी नहीं होगी, वर्टिकल लाइन्स होती है, एक की संख्या में हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो यही जो लाइन होती है इसी को हम क्रैज लाइन कहते हैं। अब ये कलर की हम बात करें तो इनका जो कलर होता है वो बहुत ही वाइट कलर का, बहुत ही फाइन और वाइट कलर का होता है, लाइट वाइट कह सकते हैं, या लाइट येलो इस कलर का होता है, या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है, या फिर ग्रे कलर का भी हो सकता है।
ऐसे पर्सन जो टोबैको कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, सुपारी पान वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं या फिर चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें स्टेनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होती हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये दांतों का क्रैक होना नहीं है। क्रैज लाइन में और क्रैक टूथ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल क्रैज लाइन के बारे में जानकारी लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि यदि क्रैज लाइन हमारे दांतों में हो गई है तो हमें इसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि क्रैज लाइन के कारण आपको दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब ना तो आपको दांतों में दर्द होना है, ना तो आपको सेंसिटिविटी होनी है, ना तो आपको मसूड़ों में कोई समस्या होगी, ना तो खून आएगी, ना तो मुंह से बदबू आएगी। लेकिन फिर भी पेशेंट के मन में डाउट होता है, और सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि दांत उसके टूटने वाले हैं, टूट रहे हैं, यानी दांत क्रैक हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्रैज लाइन बनने के कारण पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये है एस्थेटिक प्रॉब्लम, यानी लुक वाइज जो प्रॉब्लम होती है। पेशेंट किसी के सामने बात करता है तो उसके दांतों में खड़ी खड़ी लाइनें दिखती हैं जो थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा नहीं है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगता, केवल और केवल यही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज इससे दांतों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, डिपेंड करता है कि क्रैज लाइन किस तरीके की है। जैसे यदि बहुत ही वाइट कलर की और बहुत ही फाइन यानी पतली क्रैज लाइन है, एक या दो क्रैज लाइन है, तो इस केस में टीथ वाइटनिंग के जो टूथपेस्ट आते हैं उसका आप यदि रेगुलर सुबह शाम यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे और फाइन हो जाएगी और दांतों के साथ मर्ज हो जाती है और आपका जो जो क्रैज लाइन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। बेस्ट टूथ वाइटनिंग जो पेस्ट होते हैं यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर के घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका एक दूसरा मैनेजमेंट होता है पॉलिशिंग करवाना। दांतों में पॉलिशिंग करते हैं जब हम, कुछ पॉलिशिंग एजेंट होते हैं उनका यूज़ करके और दांतों को धीरे 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 पॉलिश कर देते हैं तो जो फाइन क्रैज लाइन होती हैं वो धीरे धीरे दांतों के साथ मर्ज हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं और दांत फिर से सामान्य हो जाते हैं। अब यदि दांतों में बहुत सारी क्रैज लाइन है, बहुत सारे दांतों में, दो चार दांतों में क्रैज लाइन है और वो डीप है या ऐसा कह सकते हैं स्टेनिंग उनमें ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है, वीनियर की प्रोसेस होती है, मतलब वीनियर दांतों में लगा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो दांतों की जो ऊपरी परत होती है इसको थोड़ा सा हम प्रिपेयर करते हैं और इसी में वीनियर को चिपका देते हैं, तो इससे भी आपके दांतों में जो क्रैज लाइन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। एक इसका और मैनेजमेंट होता है और वो है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग दांतों को सफ़ेद करने की एक प्रोसेस होती है, जिनके दांतों में स्टेनिंग बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए प्रोसेस यूज में लाई जाती है, तो ब्लीचिंग के माध्यम से भी यानी ब्लीचिंग करवा करके भी क्रैज लाइन को हटाया जा सकता है, डिसअपियर किया जा सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ये था क्रैज लाइन के बारे में डिटेल में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो के लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो मिलते हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने की। बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।